हाय एवरीवन, सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये वाला मेकअप लुक जो परफेक्ट है हल्दी सेरेमनी के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी एंड इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे मेरी स्विस ब्यूटी की 2-in-1 किट। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरा स्विस ब्यूटी का कंसीलर। ये कंसीलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपने आईलिड पे। और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा पैक का कंसीलर ब्रश। सभी प्रोडक्ट्स की जो भी डिटेल्स हैं आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अभी नेक्स्ट मैं कंसीलर को अच्छे से सेट करूँगी लूज पाउडर की हेल्प से। यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा ब्लू हेवन का लूज पाउडर, इसके मैं ब्रश की हेल्प से ही लूँगी एंड अपनी आईलिड को अच्छे से सेट कर लूँगी इससे। अभी आई शेडो के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरी फेवरेट आई मैजिक की आई शेडो पैलेट। और इस आई शेडो पैलेट में से मैं ले रही हूँ ये वाला ब्राउन सा कलर एंड इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपनी क्रीज लाइन पे। अभी इस क्रीज कलर को ना मैं अपनी आईब्रो के एंड तक ले जाते हुए इस तरह से वी सी शेप दूँगी। ऐसा करने से ना आपका जो आई मेकअप है वो बहुत ज़्यादा शार्प लगता है एंड आपकी आईज़ ओपन अप लगती हैं। अभी सेम कलर को मैं अपनी लैश लाइन के साथ कनेक्ट करते हुए आउटर वी बना लूँगी एंड इस कलर को मैं बिल्ड करूँगी थोड़ा सा और कलर लेने के बाद। एंड अभी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं इस कलर को अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ओलिविया का वाइट कंसीलर एंड इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपनी आईलिड पे कट क्रीज करने के लिए। वाइट कंसीलर को लगाने से ना आपकी जो आई शेडो के कलर्स होते हैं ना वो उभर के आते हैं, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे वाइट कंसीलर का यूज़ किया है। अभी नेक्स्ट सेम आई शेडो पैलेट में से मैं यूज़ कर रही हूँ ये वाला येलो कलर एंड इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अपने आईलिड पे, बेसिकली जहाँ पे मैंने वाइट कंसीलर लगाया है उसके ऊपर। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरी मेकअप रेवोल्यूशन की आई शेडो पैलेट एंड इसमें से मैं यूज़ कर रही हूँ ब्राउन कलर एंड इस ब्राउन कलर को मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने आउटर वी एंड क्रीज लाइन पे। मेरी जो आई मैजिक की आई शेडो पैलेट है उसमें बहुत सारे ब्राउन कलर नहीं हैं, मुझे वार्म टोन ब्राउन चाहिए था तो मैंने इस आई शेडो पैलेट को यूज़ कर लिया। अभी एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से मैं आउटर वी के कलर को अच्छे से ब्लेंड करूँगी येलो कलर के साथ एंड अपनी क्रीज लाइन को भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी ताकि यहाँ पे कोई भी हार्श लाइन से ना शो हो। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेरी नायका की काजल पेंसिल एंड यहाँ पे ना मैं बहुत थिन सा आईलाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगी यहाँ पे मिस क्लेयर का ग्लिटर आईलाइनर एंड इसको मैं अप्लाई कर दूँगी अपनी क्रीज लाइन पे एंड इसको मैं एंड करूँगी अपने आउटर वी से पहले पहले। अभी नेक्स्ट मैं सेम कलर अपनी लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी जो मैंने आउटर वी एंड क्रीज लाइन पे अप्लाई किया था एंड अभी यहाँ पे मैं लगा रही हूँ काजल पेंसिल अपने नीचे की लैश लाइन पे। अभी काजल को अपने आईलाइनर की लाइन के साथ कनेक्ट करते हुए मैं यहाँ पे विंग आईलाइनर ड्रॉ कर लूँगी। अभी यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ कलर बार का स्मर्जर ब्रश एंड इसकी हेल्प से मैं विंग आईलाइनर को हल्का सा स्मर्ज कर लूँगी। अभी सेम ब्रश की हेल्प से नीचे की लोअर लैश लाइन के भी काजल को मैं स्मज कर लूँगी। अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं फेस मेकअप की तरफ। सबसे पहले मैं अप्लाई कर रही हूँ प्राइमर एंड प्राइमर के लिए मैंने यूज़ किया है इनसाइड कॉस्मेटिक का प्राइमर। अभी नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी लैक्मे का फाउंडेशन एंड इसको मैं डॉट्स बना के अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी एंड स्पंज की हेल्प से इस फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। अभी फाउंडेशन को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे लूज पाउडर लूँगी एंड डैब डैब करते हुए मैं अपने बेस मेकअप को इस पाउडर की हेल्प से सेट करूँगी। अभी नेक्स्ट आप देख सकते हो कि मेरी अंडर आइज पे थोड़ी सी डार्कनेस है एंड लिप्स के अराउंड भी, तो कंसीलर की हेल्प से मैं इसको अच्छे से कवर करूँगी
एंड सेम स्पंज यूज़ कर रही हूँ मैं कंसीलर को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए। अभी आफ्टर अप्लाइंग द कंसीलर मैं यहाँ पे ले रही हूँ ब्राउन कलर मेरी वेट एंड वाइल्ड की कंट्रोल पैलेट में से, एंड थोड़ा सा ना मैं अपने फेस को शार्प दिखाने के लिए यहाँ पे कंट्रोल कर रही हूँ। अभी नेक्स्ट मैं ले रही हूँ शुगर का ब्लश एंड इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने चीक्स पे। अभी ब्लश को थोड़ा सा शार्प दिखाने के लिए मैं स्पंज की हेल्प से थोड़ा सा बनाना पाउडर लूँगी एंड नीचे वाले एरिया पे लगाऊँगी जहाँ पे मैंने कंटूर एंड ब्लश अप्लाई किया था उसके नीचे वाली साइड। आप देख सकते हो ऐसा करने से ना बहुत क्लीन लग रहा है हमारा ब्लश एंड कंटूर वाला एरिया। अभी मैं यूज़ कर रही हूँ मेरा नायका का हाइलाइटर एंड इनर कॉर्नर पे मैं लगा रही हूँ इसको, थोड़ा सा अपने नोज़ पे, थोड़ा सा अपने चीक्स पे, थोड़ा सा थिन पे। आई लव यूजिंग हाइलाइटर, हाइलाइटर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं यूज़ करूँगी मेरी स्विस ब्यूटी की मेकअप सेटिंग स्प्रे एंड इसको मैं स्प्रे कर लूँगी अपने पूरे फेस पे। अभी लास्ट में मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी फेवरेट लिपस्टिक एंड ऑफ कैमरा मैं यूज़ कर रही हूँ मेरी आईलैशेस, ये मैंने लोकल मार्केट से ली थी। सो गाइस ये है मेरा फाइनल मेकअप लुक। अगर आपको ये मेकअप लुक पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाओ। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।